जनता हुई विभोर, कहा सहारा इंडिया चोर। मैच्योरिटी के बाद भी नहीं कर रहा भुगतान, खाता धारक परेशान। जी हाँ, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में निवेशकों ने खूब हंगामा किया। ऑफिस के बाहर व अंदर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। बाद में खाताधारकों के लाखों रुपए अटकने पर उन्होंने मैनेजर का घेराव करते हुए पूछा, आखिर हमारा पैसा कब मिलेगा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, जल्द ही पैसा नहीं मिला तो सहारा इंडिया के खिलाफ जनता आंदोलन करेंगे। हमारे तो बहुत बड़ा ऑपरेशन भइल बाटे, तो खाली आइल बनी हम वही पैसे खातिर की लिया आइल हल, चल पैसा ले ल न त काजे नम हर के दी हमरा पैसा। कितना पैसा बरा होती हमर 10,000 का बात है। 10,000 का नाम राव नैसे के बाटे अक्टूबर में कॉल ले आइन देवेला बोली 2019 के अक्टूबर बटे ओकरा बाद में कहते ने की अप्रैल में होई तो मार्च में होई। मार्च में तो कहां तक मिलेगी तीन साल हो गए में। रहे लोग ये कैसे तीन साल हो गए बीत। कहाँ से दौड़ते हैं लोग, कहाँ से बने? छपरा से, माला से। आपको बता दें, सहारा इंडिया में जिले के सैकड़ों लोगों ने निवेश किया है, लेकिन उन्हें पिछले एक साल से राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके चलते आए दिन निवेशक छपरा नगर पालिका चौक स्थित गंगा गोपाल कॉम्प्लेक्स ऑफिस पहुंच रहे हैं और जमकर हंगामा भी कर रहे हैं। निवेशकों का कहना है, उन्होंने भविष्य की आस में निवेश किया था, लेकिन जब उन्हें आज पैसों की जरूरत है तो कंपनी उन्हें भुगतान नहीं कर रही। इससे कोई बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, तो मकान की रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहा, तो किसी के लिए घर का खर्च उठाना ही मुश्किल हो गया है। यही नहीं, कई वृद्ध महिलाएं भी कार्यालय पहुंच रही हैं, जिन्हें अभी भी उम्मीद है कि उन्हें उनका जमा किया हुआ ही पैसा मिलेगा। का भी पैसा मिला बोले खाए में हमको थोड़ा हुआ, तो फिर एजेंट बोला कि तीन साल के लिए फिर डाल दीजिए, तो 21 में अक्टूबर में हमको पूरा हो गया, तो फिर अभी पेमेंट नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं मार्च में पेमेंट हो रहा है। पहले वाला मिला नहीं है, बाद में आप कैसे जमा कर देंगे? एजेंट बोला कि फिर डालना पड़ेगा तीन साल के लिए। अच्छा, एजेंट के कहने में आएगा। अब क्या हो रहा है? अब बोल रहे हैं कि मार्च में पेमेंट होगा। एजेंट साहब कहाँ? एजेंट साहब अभी। क्या नाम है आपका? मेरा रामनाथ राम नाम। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में हजारों उपभोक्ताओं के खाते हैं, इनमें से सैकड़ों खाताधारकों को करीब एक साल से निवेश की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। निवेशकों का लाखों रुपए की राशि अटकी हुई है, इसके चलते निवेशक अपने जरूरी काम नहीं कर पा रहे। निवेशक बबलू कुमार चौधरी तो सारी बातें बताते ही भावुक हो गए और रो पड़े, क्योंकि वह निवेशक सह बीमा एजेंट भी हैं। करीब 2 साल से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे में राशि नहीं मिलने से अन्य निवेशकों द्वारा उन्हें अपमानित भी किया जा रहा है। पैसा जमा किया था, ये कि हमने अपना पैसा और अपने खाते में लगा फिर से जमा किया था 4,00,000 रुपए, तो बोला गया कि 6 साल 5 महीने में आपका डबल हो जाएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन लगभग 2 साल से हम दौड़ रहे हैं, अभी तक पेमेंट हमारा नहीं हो रहा है। रोज आज भी अनाज जिनको करो लोग देंगे देंगे, अगर इस स्कीम पर केस है तो आप हमको पेपर दिखाइए, सीधी सी बात है। और सेबी और सहारा का केस इस पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केवल फाइनेंशियल पर है और रियल एस्टेट और हाउसिंग पर, बाकी सिर्फ दो ही स्कीम का मतलब विवाद चल रहा है, इस स्कीम का विवाद नहीं चल रहा है। अगर इस स्कीम का विवाद चल रहा है तो हमको लीगली पेपर दिखाएं, जिस दिन कोर्ट का निर्णय होगा हम लोग इस दिन ब्रांच में आएंगे, अगर पेमेंट हम लोग कर दें नहीं तो हमको लिखित आश्वासन दे कि पेमेंट आपका फंसा हुआ है। हमारा 4,00,000 मूलधन है और मैं छुट्टी लेकर 9,41,000 है। क्या नाम है आपका? बाबू कुमार चौधरी। भुगतान करेंगे इनका एक्सपेक्टेड मार्च ऊपर हो सकता है, मार्च तक जितने भी आप स्कीम है सारे स्कीम पे सरकार ने रोक लगा रखा है। कंपनी चूंकि केस है रियल एस्टेट हाउसिंग पे, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एम्बार्गो तो पूरे कंपनी पे है, इसलिए भुगतान में। तो अगर कस्टमर लीगली मांग रहा है देखने के लिए मिलेगा, वो तो बोले है अभी बैठे कि हम आपको तो मंगा के देंगे, बोले तो है इसी आश्वासन रोके देंगे। तो 2009 से भी कितने लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं जिनका पूरा हो जाता है फिर से उनको जमा करा दिया जाता है? जमा करा दिया ऐसा नहीं है, जमा होता है जमा के लिए, देखिए क्या है कि जमा ऐसा नहीं है कि जमा करने के लिए हम ब्याज करते दिवस करते, किसी को ऐसा नहीं है। अगर भुगतान हमको जमा कर देना होता तो भुगतान क्या करेंगे, भुगतान भी करेंगे, ऐसा नहीं है भुगतान सब।
मैनेजर श्रवण कुमार ने बताया ऊपर से ही राशि नहीं आ रही, करीब एक साल से राशि रुकी हुई है। सभी निवेशकों को किश्तों में भुगतान किया जाएगा। निवेशकों को मार्च से अप्रैल तक सारा पैसा मिल जाएगा। कई लोगों की तो व्यथा सुन आपकी आंखें भी भर जाएंगी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। कोई कहता है बेटी की शादी करनी है, राशि का भुगतान नहीं होने से घर सहित जमीन जायदाद भी गिरवी रखकर जैसे तैसे घर चलाने को मजबूर हो रहे हैं। कहीं बच्चों की पढ़ाई में स्कूल कॉलेज की फीस के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है। वहीं प्रतिदिन पेमेंट के लिए निवेशक परेशान होकर रह जा रहे हैं। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। कस्टमर आए हुए हैं, आपके खाता धारक लोग आए हैं, काफी लोगों का है कि अभी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पे अंदर जुडिशियल में, वो हम लोग प्रोटेक्ट किए हैं। क्या नाम, दिसंबर में 8 तारीख को सेवी कार्यालय थे कि चूंकि हमारा पैसा सुप्रीम कोर्ट में सभी सहारा अकाउंट में जमा है 24 हजार को, और वो डेट अभी हमको लगता है कि जनवरी में कोई डेट मुकर्रर हुआ है, उसमें हियरिंग हो रहा है और बहुत जल्द हम लोग इस केस से निकलेंगे और पार्टी का भुगतान होगा। किस स्कीम में आपका पैसा जमा, जो कुछ लोग बता रहे हैं कि जो स्कीम में पैसा जमा, जो स्कीम एफआईआर अलग अलग है, क्योंकि पूरे कंपनी पे एम्बार्गो है, भुगतान तो पूरे कंपनी का है और स्कीम कोई हो भुगतान तो होना है, लेकिन पूरे कंपनी पे एम्बार्गो है, इसलिए अभी कोई भुगतान नहीं हो पा रहा है। बहुत जल्द हम लोग इसको भुगतान करने की स्थिति में आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार। क्या है आप यहाँ? यहाँ मैनेजर। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।